नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी रसोई में। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चंपारण का बहुत ही प्रसिद्ध औना मटन, वो भी अपने तरीके से। आप यकीन मानिए, मटन इतना जबरदस्त और स्वादिष्ट बन के तैयार होगा कि आप उंगलियां चाट जाएंगे, और वो भी बिना एक बूंद पानी का इस्तेमाल किए हुए। जब आप इस मटन को आपकी रसोई में बनाएंगे तो खाने वाला हर व्यक्ति यही कहेगा कि पहले इस तरीके का मीट आपने बनाकर क्यों नहीं खिलाया था। तो दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं मटन बनाना आपकी रसोई में। बकरे का मीट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 750 ग्राम बकरे के मीट का इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें मैंने हड्डी वाले और बोटी वाले दोनों तरह के मीट ले रखे हैं। आप जिस तरह का मीट खाना पसंद करते हो आप उस तरीके का मीट ले लीजिए। तो मैंने 750 ग्राम मीट के हिसाब से सारी सामग्री बताई है। आप अपने हिसाब से जितना आप मीट लें उसके हिसाब से सामग्री को एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही मैंने 1/2 किलो प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। एक बराबर की स्लाइस आपको करनी है और आप इसको 750 ग्राम तक बढ़ा भी सकते हैं, यानी आपको कम से कम 500 ग्राम लेना है और ज्यादा से ज्यादा मीट के बराबर का प्याज ले लेना है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 गांठ लहसुन की ली है, इसको छील लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़े को भी मैंने छील लिया है। इन दोनों को हम कूट करके मीट में मिलाएंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 गांठ लहसुन की साबित ली हुई है, इसका प्रयोग भी हम आगे रेसिपी में करेंगे। मसाले में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच साबित जीरा लिया हुआ है और लगभग 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च का लिया हुआ है। 2-3 आपको तेज पत्ते के पत्ते ले लेने हैं। साथ में मैंने 6 लाल मिर्च यहाँ पे ली हुई है, 2 मैंने काली इलायची ली है, साथ ही मैंने 6 हरी इलायची का प्रयोग किया है और 10-12 आपको लौंग ले लेनी है। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 इंच दालचीनी के टुकड़ा लिया हुआ है। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और इसके अंदर जो हमने ये प्याज काट के रखी है, हम इस सभी प्याज को इसके अंदर डाल देते हैं। अब जो हमने ये लहसुन और अदरक कूट के रखा था उसको हम इसमें मिला देते हैं, और साथ ही जो ये हमारे खड़े मसाले हैं साबित, इसमें से केवल हम दालचीनी और तेजपत्ते को निकाल करके बाकी सभी मसालों को इसके अंदर मिला देते हैं। जो हमारी ये बड़ी इलायची है इसको हल्का सा हम हाथ से यूं ही खोल लेंगे जिससे कि ये अच्छी तरीके से सभी में मिल जाए। तो इन सभी को हमें इसके अंदर ऐसे ही साबित ही मिला लेना है। साथ ही अब हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले मिलाएंगे, जिसमें मैं 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर डाल देता हूं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर का मैं इसके अंदर मिला देता हूं। अब हम इन सभी को एक बार अच्छी तरीके से एक दूसरे से मिला देते हैं। अब जो हमने मीट रखा हुआ था हम उसको भी इसी में मिला देंगे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल लेते हैं और साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच भर करके मीट का मसाला मिला देंगे। मीट मसाला जो भी आप इस्तेमाल करते हो आप इसके अंदर वो मीट मसाला डाल सकते हैं। ये मीट मसाला मैंने खुद ही अपने घर पे बनाया है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, वहां से देख के आप घर पर ही मीट मसाला बना सकते हैं। इसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अगर आप घर पे ही मसाला बनाना चाहते हैं तो आप इस मसाले को, मीट के मसाले को घर पर ही बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर लगभग 1 कड़छी इसमें 50 ml सरसों के तेल को गर्म करके मैंने ठंडा किया हुआ है,
इस तेल को हम इसके अंदर मिला देते हैं। तो आपको तेल को पहले गर्म कर लेना है और फिर इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और इस तेल का ही आपको इस्तेमाल इसके अंदर करना है। अब हम इन सभी को अच्छी तरीके से एक दूसरे से मिला देते हैं। तो हमें बढ़िया से इसको एक दूसरे से मिला लेना है। अब हम इसे 15 मिनट से आधे घंटे तक इसी तरीके से छोड़ देते हैं। जितना आपके पास समय हो उसके हिसाब से आप इसको इसी तरीके से ढक करके छोड़ दीजिए मैरिनेट होने के लिए। मटन को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम गैस के ऊपर कुकर चढ़ा देते हैं और इसमें मैंने 4 चम्मच सरसों के तेल को डाल दिया है और इसको गर्म करने रख दिया है। हमें ज्यादा तेल इसमें नहीं डालना है, हमें केवल 4 चम्मच ही तेल इसके अंदर डालना है। तेल गर्म हो जाने पर हम इसके अंदर 7-8 लहसुन की साबित कलियां इसी तरीके से डाल देते हैं और साथ ही जो हमने दालचीनी बचा के रखी थी हम इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और अपने जो तेज पत्ते हैं हम इसे भी इसके अंदर डाल देंगे। मसाले का स्वाद अच्छे से तेल में आ चुका है। अब हमने जो मीट मैरिनेट करके रखा था हम सारे मीट को इसके अंदर डाल देते हैं। जो हमने 2 लहसुन की गांठें रखी थी हम इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसको बस 1 मिनट के लिए चला लेंगे बढ़िया से। अब हमें इस मीट को ढक करके मीडियम टू लो आंच पे, बिल्कुल आंच हमने एकदम लो कर देनी है और उस लो आंच पे हमें इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो आधे घंटे के लिए हम इसको इसी तरीके से अपने ही पानी में पकने देंगे। यहां मीट को ढककर पकाते हुए मुझे आधे घंटे हो चुके हैं। अब एक बार हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं। देखिए मीट ने अच्छी तरीके से पानी छोड़ दिया है और हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। अब हम इसको एक बार बढ़िया से चला के ऊपर नीचे कर लेते हैं। हमें इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके मीट का पानी सूख गया है किसी वजह से तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप पानी बिल्कुल ना मिलाएं। और एक बार बढ़िया से चला के दोबारा से इसको ढक करके हमको फिर से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। मीट को फिर से ढक के पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर निकल के आया है। अब हम इसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से बढ़िया से मिला लेते हैं जिससे इसके अंदर जो गली हुई प्याज है वो आपस में मिल जाएगी, अच्छी तरीके से टूट जाएगी इसमें और रसा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। और एक बार हम मीट को भी चेक कर लेते हैं कि हमारा मीट कितना गल पाया है। तो यहाँ पे मैं मीट को एक बार काट के चेक करता हूँ तो इसमें अभी थोड़ी सी कसर रह गई है। इसी समय पे आप इसके अंदर नमक और मिर्च को भी एक बार चेक कर लीजिए अपने स्वाद के हिसाब से। और अब हम इसको फाइनली 10 मिनट के लिए और ढक के पका लेते हैं। मीट का पकना बकरे के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बकरे का साइज थोड़ा बड़ा है तो मीट को पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, अगर बकरे का साइज थोड़ा छोटा है तो मीट हमारा जल पक जाएगा। मीट को ढककर पकाते हुए मुझे फिर से 15 मिनट हो चुके हैं। तो टोटल हमने मीट को 1 घंटे तक बिल्कुल मध्यम आंच पे पकाया हुआ है। अब हम ढक्कन हटा के इसको एक बार चेक करते हैं।
मीट हमारा बनकर के बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। ग्रेवी हमारी बहुत ही गाढ़ी बनी है। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है, अगर आप चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके इसके अंदर डाल सकते हैं, और नहीं तो ये मीट अपने ही पानी में पका है, प्याज और मीट के खुद के पानी में। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा और बहुत ही निराला आएगा। देखिए क्या बढ़िया मीट हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। इस मीट को खाकर आपको जो मसालों के जबरदस्त स्वाद और खुशबू का एहसास होगा वो आप अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। तो आज ही इस बेहतरीन मीट को मेरे तरीके से आपकी रसोई में बनाएं और पूरे परिवार और दोस्तों के साथ मिल बांट के खाएं, और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए दिन आपकी रसोई में।